लो घर का खाना। चलो अब ऊपर वाले ने भी कर दिया है। चैलेंज को चैलेंज की तरह खाओ। चैलेंज को चैलेंज की तरह खाओ। हाँ ओके। अरे आप तो सीरियस हो गए। ये तो मैं जीतूंगी। भरा पड़ा है। जो कुकर में रखे हैं वो भी काउंट होंगे? जी नहीं। हाँ। जितना आइटम यहाँ रखा है वो काउंट होगा। चलो यही इतना ही फिनिश कर लो। अभी बर्गर रखा है। ये नहीं काउंट होगा ये। हाँ ओके। कितने जितना यहाँ रखा है पिचकारी ना मान ना पूरे जो देख रहा है बीबर पूरे मुंह पे नहीं कुछ पर्ची में तो उधर हो गया ऐसा नहीं है। जो हारेगा उसको नेक्स्ट चैलेंज में पर्ची उलारने का मौका मिलेगा। पर्ची हम खुद सामने बनाएंगे कैमरे के सामने तब बनेगी पर्चियां। आप लोगों ने देखा है ना पर्ची बनाते हुए? नहीं। जो चार पर्ची मेरी बनी थी आंखों के सामने ये दो चार पर्ची गायब दो गायब हो गई। हवा चल रही ना
कहाँ चली गई? अब ये नहीं पता मुझे। उन दोनों में भी कहाँ डर का कांदा लिखा होगा? चारों पक्षियों, जब इन दोनों में घर का खाना है तो उन दोनों में भी घर का ही खाना लिखा होगा। ऐसा नहीं है, मैंने दो पर्ची बनाई थी घर का खाने की और दो बनाई थी मतलब प्योर घर का खाने की। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं मेरे साथ मैं जीत गया हूँ, स्टार्टिंग से चीटिंग की गई, मुझे जानबूझ के घर का खाना खिलाया गया। तो गाइस इसको हम सेव करेंगे ताकि बाद में भूख लगे तो खा सके। यहाँ कुछ चीटिंग पहले से गेम ही से हुई है भाई। निकाल देखो, इतना सा ये था, इतना सा ये था, इतने चावल थे, जितने में आपका ये था उतना तो साला बर्गर ही था सिर्फ एक। वाओ के अच्छा बताओ कितना लेके आए थे आप? जितना मेरा पेट था। तो मेरे तो क्वांटिटी ज्यादा था ना। तो आपने रखी क्यों इतनी सारी चीजें? एक चीज रखते तब तो सारी रख ली गई, ये ना खा जाए। नहीं, पर्ची के खिलाफ नहीं जाता हूँ मैं, जो पर्ची में निकलेगा वही होगा। पर्ची के खिलाफ नहीं जाते, इसीलिए सारी पर्ची में घर का खाना लिख दिया। देखो, एक आपके हिस्से में घर का खाना आया और ये पकड़ो एक और आया। तो अब भगवान को गाइस पर्ची बदल गई, समझ लो लिखा हुआ सब बदल गया, चीटिंग की गई गाइस, धोखा दिया गया। धोखे से हमको घर का खाना खिलाया। तभी मैं अपने मन पसंद की चीजें लाया था, मुझे पता था मेरे हिस्से तो यही सब आना है। अरे हाँ, मुझसे पूछा ही नहीं गया था कि लेना क्या है। वहां गई, मैंने बुलाया, मैंने इधर आओ, आ रहा हूँ, ऑर्डर दे दू, आ रहा हूँ। ऑर्डर देने के बाद आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तभी समझ जाती तब भी नहीं समझी, और मैं यहाँ सब लगा दिया हूँ, सब मैं खोल रहा हूँ। मुझे लगा आज महीनों के बाद मुझे बाहर का मिल रहा है, जो मिल जाए वही खा लो यार। डॉक्टर ने मना किया एक महीने के लिए। अच्छा बताओ, एक महीने से इनका मतलब बाहर का हर चीज बंद है एक महीने से, तो भाई कुछ इनको खुद रिलैक्स हुआ होगा। अब इनको बाहर का चाहिए तो कैसे हो सकता है, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ना। तो गाइस आई होप आप लोग को चैलेंजिंग वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया होगा। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही, आई होप आप लोग को मजा आएगा। तो लाइक कमेंट और शेयर, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना, कर दो। कर दिया, अरे नहीं किया, चलो जल्दी कर दो, पहले कर दो फिर ब्लॉग एंड करते हैं। करो बेल भी दबाओ, इधर क्या देख रहे हो, बेल भी दबाओ। दबा दिया। तो गाइस बहुत जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जो कमेंट आएगा अगर चैलेंजिंग वीडियो का तो पर्ची मैं ही ला लूंगा। तो जल्दी नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार नहीं मिलेगी, इस बार मैं खुद बनाऊंगी, मैं खुद ही ला लूंगी जी। तो मैं ला लूंगा, ले लो, कमेंट आ गए, इतिहास भाई उला रहेंगे। थैंक यू गाइस, ऐसे ही पर्ची उलाता रहूंगा, घर का खाना खिलाता रहूंगा। पर्ची सामने बनाई जाएगी, बिल्कुल सामने। तो गाइस मैं किचन में लगा रही हूँ, पर्चियां बन के आ गई, मुझे लगा चीट, तभी पर्ची छुपाई जा रही थी यहाँ से वहां से यहाँ। मैं कहूँ ये घर क्या नहीं, वो हवा चल रही थी, हवा पॉकेट में चल, अरे दो गिर गई इसके नीचे, वही तो हम ढूंढ रही है। देखो ये पर्ची नहीं है, कुछ और है। तो गाइस बाय बाय एंड लाइक कमेंट एंड शेयर, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, या फिर आई होप चैलेंजिंग वीडियो हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकता है। तो बाय बाय।